नमस्कार, हिमाचल अभी अभी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अवंतिका खत्री। हम सब अपने घर का सपना देखते हैं, पर कभी हमें किसी वजह से किराए के मकान में भी रहना पड़ जाता है। देश में कई लोग नौकरी की तलाश में दूसरे शहर जाते हैं और वो भी किराए के घर में ही रहते हैं। कोई भी व्यक्ति जब किराए के मकान में रहता है तो तब उसे रेंट एग्रीमेंट करवाना होता है। ये एग्रीमेंट मकान मालिक और किराएदार के बीच एक लिखित समझौता है। आज के समय में ये बहुत जरूरी दस्तावेज माना गया है। इसमें मकान से जुड़ी सभी व्यवस्थाओं को लेकर निर्देश दिए जाते हैं। इस समझौते पर मकान मालिक और किराएदार के साथ एक गवाह के हस्ताक्षर भी होते हैं। जब भी रेंट एग्रीमेंट बनाया जाता है तब किराएदार को कई बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। रेंट एग्रीमेंट में आपको ये जरूर चेक करना चाहिए कि आपका किराया कब बढ़ेगा। आपके मंथली किराए का जिक्र भी रेंट एग्रीमेंट में देना चाहिए। इससे कभी भी मालिक मनमाने ढंग से किराया नहीं बढ़ा सकता है। वैसे तो हर साल में एक बार किराया 10% बढ़ाया जाता है। अगर चाहें तो रेंट एग्रीमेंट से पहले किराए को कम भी करवा सकते हैं। रेंट एग्रीमेंट पर कई नियम और शर्तें शामिल होती हैं। आपको उन सभी नियम और शर्तों के बारे में ध्यान से पढ़ना चाहिए। इसमें आपको ये भी ज़रूर चेक करना चाहिए कि आपको कौन कौन से बिल देने होंगे। आपको हाउस टैक्स और जिम, स्विमिंग पूल, पार्किंग, क्लब आदि के भुगतान के बारे में भी चेक करना बहुत ज़रूरी है। आप जो भी मकान किराए पर लेते हैं उसको एक समय के बाद रिपेयर और मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। आपको ये भी ज़रूर चेक करना चाहिए कि उसका खर्चा कौन भरेगा। ये जानकारी आपको रेंट एग्रीमेंट में भी शामिल करनी चाहिए। इसके अलावा आपको इस बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आपका मकान लेने से पहले मकान मालिक को कितना सिक्योरिटी मनी देनी है। इस एग्रीमेंट में मकान मालिक के साथ किराएदार भी नियम लिखवा सकते हैं। तो जानकारी में इतना ही। नमस्कार।